नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो जी, सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कल अध्ययन कर रहे थे कि किस तरह अस्तित्व का प्रकटन प्रकृति की चारों अवस्थाओं में दिखाई देता है। दिखता है कि पदार्थ अवस्था में क्रियाशीलता है, रचना विरचना हो रही है, क्रियाशीलता है। प्राणावस्था में देखें तो क्रियाशीलता के साथ साथ स्पंदनशीलता भी है। इसी स्पंदनशीलता के साथ श्वसन प्रश्वसन हो रहा है और प्राणावस्था इकाइयों में पुष्टि हो रही है। अगर जीव अवस्था को देखें, पशु पक्षियों को देखें, तो शरीर में भी वहां पर यही क्रियाएं दिख रही, क्रियाशीलता दिख रही है और स्पंदनशीलता दिख रही है। स्पंदनशीलता का मतलब कि संकुचन प्रसारण हो रहा है, उसी संकुचन प्रसारण के साथ साथ श्वसन हो रहा है, प्रश्वसन हो रहा है और कोशिकाओं का पुष्टि हो रहा है। तो शरीर वैसा ही जैसा कि पेड़ पौधे, इस पर हमने कई बार बात की। और यदि मैं को देखें तो जीवावस्था मैं भी है, वहां पर संवेदनशीलता है, यानी वहां पर मानना पहचानना निर्वाह करना है। ये तीन तरह की क्रियाएं दिखाई देती हैं। और जो रिस्पॉन्स आता है पशु पक्षियों का, उसको देखें तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस तरह की संवेदनाओं से प्रभावित रहता है। ज्ञानावस्था को देखें तो ज्ञानावस्था में संज्ञानशीलता दिखाई देती है, यानी हम जानना भी चाहते हैं, हमारे मानने पहचाने निर्वाह करने की क्रिया तो हो ही रही है, हम जानना भी चाहते हैं। और ये जानना पूरा हो जाए उसको कहा संज्ञानीयता। तो ये सहस्तित्व का ही, संपृक्तता का ही प्रकटन है। ये बात हमने कल की थी। इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो जो स्पष्ट न हो तो रख सकते हैं। जी, कल हमने असाइनमेंट में ये भी लिया था कि धीरता वीरता उदारता के अर्थ को हम लोगों ने कल एक्सप्लोर किया था। और ये भी देखने की बात थी कि हमारे में धीरता वीरता उदारता में क्रमिक रूप से क्या परिवर्तन आया है। पहले हम कितने अधीर होते थे, अब हमें धीरता का भाव कितना बढ़ा है। पहले हम दूसरों के बारे में क्या सोचते थे और अब हमें वीरता का भाव कितना बढ़ा है। पहले हम सुविधाओं को लेकर क्या सोचते थे और अब हमें मानवीय व्यवस्था के अर्थ में, संबंध के अर्थ में उदारता का भाव किस प्रकार बढ़ा है, इसको भी अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात थी। नमस्ते भैया। भैया, मेरा क्वेश्चन है कि संवेदना और संवेदनशीलता दोनों में जो डिफरेंस है वो थोड़ा आप क्लियर करेंगे। संवेदना मतलब जो शरीर से सूचना आ रही है उसको संवेदना करें, ठीक है भैया। उसके साथ जो निर्वाह हो रहा है उसको संवेदनशीलता करें। जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध की संवेदना मैं तक पहुंच रही है, उसके आधार पर जो जीने का कार्यक्रम बना रहे हैं वो संवेदनशीलता है। जी, तो भैया ये जो संवेदनशीलता है ये बायो ऑर्डर में होता है ना? नहीं, कहाँ है? अच्छा, बायो ऑर्डर में स्पंदनशीलता है। स्पंदनशीलता, ठीक है। हाँ, वही थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है भैया, संवेदनशीलता जीवावस्था में। जी जी जी, ठीक। तो इसमें सेल्फ का रोल है भैया कि संवेदना बॉडी से मिल रही है लेकिन जो उसको पढ़ने वाला है वो सेल्फ है और उसी को फिर हम जो उसके अकॉर्डिंग जो पार्टिसिपेशन जो हो रहा है उसको हम संवेदनशीलता बोलते हैं। जी, उसी का जो रिस्पांस आ रहा है वो संवेदनशीलता है। ठीक बात, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया भैया। भैया एक बार पीछे के कुछ स्लाइड्स लगा दीजिए, क्योंकि कई शब्द हैं, कल हम लोगों ने इसको रखा था, एक बार फिर से रख देते हैं। इसमें हिंदी का कंटेंट हो उतने को रख देंगे। तो पदार्थ से शुरू कर लेते हैं। तो पदार्थ और समरिकता की क्रियाशीलता तो है, स्वयं में एक निश्चित व्यवस्था में बना हुआ है, बड़ी व्यवस्था में निश्चित भागीदारी भी है, इस प्रकार समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। और सहस्तित्व की जो अभिव्यक्ति है इसमें वो क्रियाशीलता के रूप में ही है। तो पदार्थावस्था की हर इकाई में जो रचना विरचना हो रही है यह क्रियाशीलता ही है। जी, इसका नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। वैसे ही पेड़ पौधों में देखें तो क्रियाशीलता तो है ही,
साथ में स्पंदनशीलता भी है। स्पंदन के माध्यम से ही पहचाना निर्वाह करना हो रहा है, प्राण कोशाओं की पुष्टि हो रही है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। एक छोटा सा बीज से पौधा निकला, पौधे से वृक्ष बन गया और उस वृक्ष के हर कोशिका में, हर प्राण कोशा में स्पंदन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, प्रसारण हो रहा है। इसी संकुचन प्रसारण के साथ पदार्थ का आदान प्रदान हो रहा है, खनिज लवण को सोख रहा है या बाहर निकाल रहा है, हवा को सोख रहा है या बाहर निकाल रहा है, स्पंदन चल रहा है, हर प्राण कोशा में स्पंदन चल रहा है। और ये सहस्तित्व की अभिव्यक्ति है प्राणावस्था की इकाई में। तो ये बात आपके ऑब्जर्वेशन में पहले से भी रही होगी, इसको ही एक शब्द देकर सहस्तित्व की अभिव्यक्ति के रूप में अध्ययन कर रहे जी। जीवावस्था में देखें तो शरीर में वैसे ही जैसे पेड़ पौधों में क्रियाशीलता है, एक निश्चित व्यवस्था बनी हुई है, बड़ी व्यवस्था में निश्चित भागीदारी बनी हुई है। और स्पंदन के माध्यम से पहचाना निर्वाह करना हो रहा है, प्राण कोशाओं की पुष्टि भी हो रही है, संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है जैसे पेड़ पौधों में हो रही है। मैं में देखें तो संवेदनशीलता है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी संवेदना आ रही है शरीर के माध्यम से, उसके आधार पर रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वंश के आधार पर मानना पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, तो संवेदना वही आ रही है, परंतु जैसी शरीर की बनावट है, जैसे उसी ध्वनि को सुनकर एक पशु हो सकता भयभीत हो जाए, दूसरा पशु को लगता है शिकार मिल गया तो उसके प्रति दौड़ने लगे, तो ध्वनि वही है परंतु जो शरीर की बनावट है उसके अनुसार आचरण हो रहा है। पशु में यह भी आप देखेंगे कि जो मैं का प्रभाव है वो कम है, शरीर का प्रभाव ज्यादा है। तो शरीर की जैसी बनावट होती है वैसा उसका आचरण होता है। तो वंश के आधार पर मानना पहचाना निर्वाह करना हो रहा है, और यह भी सहस्तित्व की है व्यक्ति है। भैया अभी अपने बायो ऑर्डर में बोला है कि स्पंदनशीलता के आधार पर पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, तो ये जो पदार्थ अवस्था है भैया वहां तो स्पंदनशीलता है नहीं, लेकिन पहचानना और निर्वाह करना तो वहां पर भी होता है। हाँ, तो वहां क्रियाशीलता है, यहाँ पे पहचाने निर्वाह करने में स्पंदनशीलता जुड़ गया। जैसे पत्थर के बगल में पानी है, पत्थर पानी को नहीं सोखेगा, पौधे के बगल में पानी है, पौधा पानी को सोख लेगा, पहचानना बदल गया। नहीं, लेकिन भैया आप जो आयरन का उदाहरण देते हैं उसमें मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें रस्ट लग जाती है, तो पहचानना निर्वाह करना तो वहां पे भी हो रहा है। थोड़ा और क्लियर करेंगे भैया, वैसे थोड़ा आपने जो एग्जांपल दिया उसे समझ में तो आया है कि मतलब हर यूनिट के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा, ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे पुष्टि नहीं हो रही, वहां पे जैसे रचना विरचना हो रही है ना, अणु अणु रचनाओं में परिवर्तन हो रहा है, बट पुष्टि जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे पुष्टि वाली बात है। तो यहाँ पे एक निश्चित प्रकार से पानी के साथ पहचाना निर्वाह करना हो रहा है, तो उसके साथ वो उसे अब्जॉर्ब कर रहा है, खनिज लवण को भी अब्जॉर्ब कर रहा है, उससे पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, वृक्ष बन जा रहा है। ये काम लोहे में नहीं हो रहा है, लोहे में जंग लग रही है और जंग के साथ वो लोहा उसका वजन मतलब जंग झड़ रहा है और लोहा का वजन कम हो रहा है, इतना हो रहा है। तो भैया क्रियाशीलता वहां भी है, यहाँ स्पंदन नहीं है वहां स्पंदन है। हाँ, तो पहचानना निर्वाह करना तो वहां पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ मारक और सारक जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है उसकी वजह से पुष्टि भी हो सकती है और ह्रास भी हो सकता है। हाँ, देखिए पहचानना निर्वाह करना तो हर अवस्था में, पदार्थावस्था में भी है, प्राणावस्था में भी है, जीवावस्था में भी है, ज्ञानावस्था में भी है। पहचानना निर्वाह करना तो हर इकाई में है ही, चाहे जड़ हो या चैतन्य। तो भैया फिर स्पंदनशीलता भैया फिर उसके आधार में नहीं हुई ना, स्पंदनशीलता तो फिर पुष्टि के लिए है। आधार तो सहस्तित्व है, अगर आधार न रखना चाहे तो क्या उसके साथ हो रहा है, स्पंदनशीलता के साथ पहचाना निर्वाह करना हो रहा है। हाँ, वो ऐड हो गया उसके अंदर और ऐड हुआ है। ऐड हुआ, जैसे आप में भी पहचान निर्वाह करना हो रहा है, आधार में सहस्तित्व है बट उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ है, जानने मानने के साथ हो रहा है। जी भैया, और अभी हमने इस स्लाइड में संपर्कता जो यूज किया भैया वो कोएग्जिस्टेंसी है ना। हाँ, और क्या। ठीक है भैया, ठीक, तो ये परम धर्म है भैया।
हाँ परम धर्म है। इसमें तीनों आ गया है, तीनों मतलब मतलब ये जो स्वभाव धर्म और परम धर्म, पिछली स्लाइड में ये नहीं था, पहले हमने उसमें वो ऐड हाँ किया था ऐड किया। हाँ पहले में इनहेरिटेंस था, उसमें परम धर्म नहीं था, इसमें परम धर्म हमने ऐड किया। जी, बढ़िया। ठीक है भैया, ठीक, थैंक यू भैया। जी तो अगर मानव को देखें, ज्ञान अवस्था को देखें, तो शरीर में वैसा ही जैसे पेड़ पौधों में, जैसे जीव के शरीर में क्रियाशीलता है, निश्चित व्यवस्था बनी हुई है, निश्चित भागीदारी बनी हुई है, स्पंदन के माध्यम से पहचान निर्वाह करना हो रहा है। जिस प्रकार प्राण कोशिकाओं की पुष्टि हो रही है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, मैं में संवेदनशीलता तो है ही, साथ में संज्ञानशीलता भी है। तो हम संवेदनाओं को पढ़ते हैं, उसको अर्थ देते हैं, उसके साथ हम रिएक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, और जानने की आवश्यकता बनी हुई है। तो हमारा जो रिएक्शन रिस्पॉन्स है, उसमें शरीर का प्रभाव कम है, मेरे अपने भाव का, संस्कार का प्रभाव ज्यादा है। तो जानने की आवश्यकता बनी हुई है, जानने की संभावना बनी हुई है, क्षमता बनी हुई है, इसको संज्ञानशीलता कहा, और यही जानना पूरा हो जाए इसको संज्ञानीयता कहा। तो जानने माने के आधार पर पहचान निर्वाह करना हो रहा है, जितना जान पा रहे हैं उसके आधार पर एक निश्चितता है पहचाने निर्वाह करने की, मानने की, नहीं जान पा रहे हैं मानने में अनिश्चितता है, इससे पहचाने निर्वाह करने में अनिश्चितता है। तो ये चारों अवस्थाओं में देखे तो अस्तित्व अव्यक्त हो ही रहा है, और उसको इस रूप में हम देख पा रहे हैं। इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो, बाकी कॉलम्स में भी जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उसको लेकर यदि कोई प्रश्न हो, कोई बात अस्पष्ट हो तो रख सकते हैं। भैया संपृक्तता का मतलब पहले भी आपने समझाया था, एनर्जाइज है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है और रिकॉग्नाइज करता है और उसको फुलफिलमेंट होता है। इसमें अब स्लाइड में मैंने देखा कि स्टार्ट में एग्जिस्टेंस जो पदार्थ अवस्था वहां पे हमने इसको क्रियाशीलता, फिर आगे और उसमें और चीजें ऐड होती गई, स्पंदनशीलता संवेदनशीलता। तो भैया अब अगर एक वर्ड में इसको कहना चाहें तो ये ऐसे समझना चाहें तो क्रियाशीलता में ऐड कर सकते हैं हम, मतलब संपृक्तता को क्रियाशीलता में बोल सकते हैं। क्या चीज? जो संपृक्तता हमने पहले समझा था ना भैया डिटेल में, कि हर यूनिट संपृक्त है यानी कि एनर्जाइज्ड है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है और उसी के आधार पर रिकॉग्निशन एंड पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है। या मैंने जी देखा पदार्थ अवस्था में हमने संपृक्तता के साथ में लिखा है क्रियाशीलता, तो अगर जी वन वर्ड में हम संपृक्तता को समझना चाहें तो क्रियाशीलता के रूप में समझ सकते हैं या? क्रियाशीलता कहना पर्याप्त नहीं होगा, क्रियाशीलता से इतना इंगित हो रहा है कि ऊर्जित है, बट ओके क्रियाशीलता के साथ साथ एक निश्चित व्यवस्था बनी हुई है, तो नियंत्रित भी है, परस्पर पहचान निर्वाह करना भी हो रहा है, तो तीनों को ही रखना आवश्यक है। ओके ठीक है भैया, ठीक है। लेकिन लेकिन जो जो ये जी क्रियाशीलता, भैया जो क्रियाशीलता है या स्पंदनशीलता है या संवेदनशीलता है या संज्ञानशीलता है, तो ये पूरा संपृक्तता की वजह से ही है, हर स्टेज में ये अलग अलग इस तरह से ऐड होता जा रहा है उसमें। हाँ देखिए, अभी मतलब इसको एक अलग से एक अध्ययन कर रहे हैं हम, और उस तरह से देखें तो पूरा अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, कि जो कुछ जी भी है स्वभाव धर्म भी बना हुआ है तो सस्तित्व पूर्वक ही बना हुआ है। जी जी पर ये जो डिफरेंस है ना भैया हर स्टेज के अंदर, उसका रीजन यही है कि पदार्थ अवस्था में केवल क्रियाशीलता है, उसके आगे जो हम देख रहे हैं तो उसमें स्पंदनशीलता ऐड हो रही है, उसके आगे हम देख रहे हैं तो संवेदनशीलता ऐड हो रही है, और उसके और आगे हम जा रहे हैं तो वहां पर हमारे को संज्ञानशीलता भी ऐड हो रही है। तो ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एक्सप्रेशन है। हाँ ठीक सहस्तित्व है का ही एक्सप्रेशन है हाँ, उसी का प्रकटन है अलग अलग रूप में। जी। जी भैया ठीक भैया, थैंक यू। बढ़िया। तो होमवर्क के रूप में देखें तो हमें अपने स्वभाव धर्म और परम धर्म यानी सहस्तित्व को स्वयं में देखने की जरूरत है। तो हमें स्वयं में देखना है कि मेरा स्वभाव क्या है। स्वभाव का मतलब स्वयं स्वीकृत भाव, इनेटनेस, धारणा, धर्म, स्वयं में व्यवस्था, मैं किस प्रकार स्वयं में व्यवस्था हूं और मैं किस प्रकार शून्य में संपृक्त हूं।
इसको देखना ही चिंतन बोध अनुभव की वस्तु है। तो हम इसको और देखें कि विच फीलिंग इज नेचुरल फॉर यू इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग, कौन सा भाव हमें संबंध में सहज रूप से स्वीकार है, स्नेह का भाव या द्वेष का भाव, सम्मान का भाव या अपमान का भाव, ममता का भाव या किसी के शोषण का भाव, वात्सल्य का भाव या किसी को मिसगाइड करना, ऐसा। तो हम अपने आप में देखें इसको, और ये भी देखें कि हमारा जो व्यवहार है उसमें क्या यही भाव परिलक्षित हो रहे हैं, स्नेह, सम्मान, ममता, वात्सल्य या कुछ और। फिर ये भी देखें कि व्हाट इज नेचुरल फीलिंग फॉर यू इन योर रिलेशन विद योर बॉडी, शरीर के साथ कौन सा भाव हमको सहज रूप से स्वीकार है, शरीर का पोषण करना या उसका शोषण करना, शरीर का संरक्षण करना या कुछ अन्यथा, शरीर का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, ये हम अपने आप में देख सकते हैं। जी, वैसे ही हम ये भी देख सकते हैं कि सुविधाओं के संबंध में कौन सा भाव हमें सहज रूप से स्वीकार है, सुविधाओं का संवर्धन करना या उनका अपव्यय करना, दुरुपयोग करना या उनको है ना नुकसान पहुंचाना, संरक्षण करना या अदरवाइज, सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना। तो सुविधाओं के क्रम में भी हम देख सकते हैं। तो हम ये देखना शुरू करें कि अगर हम कोई सुविधा प्रयोग कर रहे हैं उसका कितना भाग सदुपयोग है, कितना भाग अन्यथा है। सुविधा का हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें अगर संवर्धन की संभावना है तो क्या हम संवर्धन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, संरक्षण की संभावना है संरक्षण कर रहे या नहीं कर रहे कि नहीं। इसको हम जो घर में प्रयुक्त वस्तु वहां भी देख सकते हैं, शेष प्रकृति में भी देख सकते हैं। तो पेड़ पौधे हैं, यदि हम प्रयोग कर रहे हैं क्या हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हम घरों में पानी का प्रयोग कर रहे हैं क्या हम वाटर की रिचार्जिंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हम हवा में सांस ले रहे हैं क्या हवा शुद्ध स्वच्छ बनी रहे उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, हम घरों में जो सुविधाएं बाहर से लाकर प्रयोग कर रहे हैं क्या उतने की आवश्यकता है या उसमें प्रकृति का दोहन हो रहा है। तो मूल बात उतनी ही है जितना हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी शुरू किए थे डिस्कस करना, बट इसको और बारीकी से देख पाते हैं। एक बार हमारे अंदर ये भाव स्पष्ट होने लगे अभ्यास एक में जो हम लोगों ने बारीकी से देखने का अभ्यास किया, संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, अस्तित्व का भाव, एक बार ये भाव हमको स्पष्ट होने लगे इसके साथ हमारा मूल्यांकन भी ज्यादा शार्प हो जाता है। बहुत सारी चीजों को जो हम एक मान्यता के रूप में, एक नोशन के रूप में लेकर चल रहे होते उनका हम सही से मूल्यांकन कर पाते। जी, इतनी बात पर लेगा, किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। भैया, अभी अपने जो बायो ऑर्डर के साथ तो संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग समझ में आता है, लेकिन सुविधा के साथ संरक्षण और सदुपयोग तो समझ में आता है, संवर्धन का कोई उदाहरण हो सकता है भैया कि सुविधा का संवर्धन कैसे कर सकते हैं? संवर्धन वहां जहाँ संवर्धन करने की संभावना है, तो जैसे प्राणावस्था में तो संवर्धन करेंगे, संवर्धन तो नहीं होगा, संरक्षण होगा, सदुपयोग होगा। जी जी, हाँ, बस को इसीलिए कंफ्यूजन आया था कि संवर्धन का मुझे कोई उदाहरण दिखा नहीं पदार्थ में, संवर्धन नहीं है, संरक्षण है, सदुपयोग है। जी जी भैया, जी ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ, इस रूप में आप जरूर कह सकते हैं कि जो आवश्यक सुविधाएं हैं जो पदार्थ से ही मिल रही है, ठीक है, अगर वो आवश्यकता से कम है उसका हम उत्पादन और बढ़ाते हैं। जैसे मोबाइल है ना, तो अगर हम परमाणु के स्तर पे, अणु के स्तर पे देखें तो कोई संवर्धन नहीं है, उनकी संख्या उतनी ही बनी हुई है, बट हम मोबाइल का संवर्धन करते हैं कि सबकी आवश्यकता पूरी हो जाए, या हम घर में जो प्रयुक्त वस्तुएं हैं उनका संवर्धन करते हैं ताकि हर एक की आवश्यकता पूरी हो जाए, मकान का संवर्धन करते हैं कि हर एक की आवश्यकता पूरी हो जाए। तो इस रूप में अगर देखने जाए तो संवर्धन है, परंतु जिस प्रकार पेड़ पौधे में संवर्धन हो रहा है उस प्रकार से नहीं। जैसे हम लकड़ी ला रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, क्यों ना पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि वहां पेड़ों की संख्या कम हुई। इसमें इतना जरूर कर सकते हैं कि हम रिसाइकलिंग करें,
जो जड़ वस्तु है पदार्थ के रूप में रिसाइकलिंग करें, ये प्रयास करें कि जहां वहां से कहीं दूर बहुत इनका एक्युमुलेशन ना होने लगे जिससे कचरा इकट्ठा होने लगे आदि आदि, इस रूप में देख सकते हैं। बट मूलतः देखें तो संवर्धन की संभावना प्राण अवस्था में, इसमें उत्पादन जरूर हम करते हैं, उत्पादन से संख्या को बढ़ाते हैं, ये क्वाइट पॉसिबल है। ठीक है ये? हाँ भैया स्पष्ट हुआ, पूरा स्पष्ट हुआ, धन्यवाद जी, बढ़िया। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि अस्तित्व का प्रकटन किस प्रकार स्वभाव और धर्म के रूप में हो रहा है। तो पूरे अस्तित्व को एक दृष्टि में देखें तो ऐसा दिखाई देता है, इस पे हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, मुझे लगता है इन सारे शब्दों से आप परिचित हैं। तो शून्य है, शून्य में इकाइयां संपृक्त हैं, इकाइयां दो प्रकार से हैं, जड़ और चैतन्य, इनके अस्तित्व से चार अवस्थाएं हैं और चार अवस्थाओं में इस प्रकार से पूरा क्रम दिखाई देता है। जी नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो जो भी इकाइयां हैं किसी न किसी अवस्था में, उनके पांच आयाम हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म और परम धर्म। ये हमने देखा था कि रूप और गुण परिवर्तनशील है इसलिए वो ज्ञान की वस्तु नहीं है, स्वभाव धर्म और परम धर्म ज्ञान की वस्तु है क्योंकि वो निश्चित है, निरंतर है, सार्वभौमिक है। ये भी दिखाई देगा कि किसी अवस्था से जब कोई इकाई जुड़ी हुई है तो उस अवस्था में बने रहते हुए एक समान उनका स्वभाव और धर्म दिखाई देता है। ये भी दिखाई देता है कि जो स्वभाव है धर्म है ये अस्तित्व का ही प्रकटन है, और किस प्रकार से है इसको हम लोग आगे अभी अध्ययन करने वाले हैं। जी तो चार अवस्थाओं को एक साथ देखें तो ऐसा दिखाई देता है, आपको ध्यान में होगा, सारे शब्द आपको ध्यान में होंगे। हमने एक असाइनमेंट ये भी लिया था कि इस पूरे चार्ट में कोई भी शब्द ऐसा हो जो आपको स्पष्ट ना हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया नेक्स्ट लगाइएगा। तो क्रिया के रूप में देखें तो हर इकाई शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित है, यह क्रिया के रूप में दिखाई देता है। नमस्ते सभी को। भैया एक बार इनहेरिटेंस एक बार एक्सप्लेन कर देते। इनहेरिटेंस मतलब अनुसंगीयता, यानी कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस इकाई में एक निश्चित व्यवस्था बनी रहती है, इसको इनहेरिटेंस कह रहे हैं। भैया ये ह्यूमन मतलब मनुष्य के लिए जो है ये मतलब डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? ये दिखाई देता है कि मनुष्य में जो इनहेरिटेंस है, जो हम इनहेरिट करते हैं, वो संस्कार पूर्वक शिक्षा पूर्वक करते हैं। तो जैसे कोई शिशु उत्पन्न होता है किसी परिवार में, तो जो परिवार में माँ पिता का संस्कार है, जो परिवार में शिक्षा मिल रही है, या जो वो पहले का संस्कार लेकर आया है, उसके आधार पर उसका आचरण तय होता है। तो पशु पक्षी में और मनुष्य में अंतर यह है कि पशु पक्षी का आचरण तो शरीर की रचना के आधार पर तय होता है, वंश के आधार पर, यहाँ मैं के आधार पर तय होता है। एक ही परिवार में दो शिशु उत्पन्न हुए, एक क्रूर जैसा आचरण कर रहा है, एक बड़ा उदार है, एक कृपण है, एक उदार है, तो ऐसा हमको दिखाई दे सकता है कि बहुत समाज के लिए सोचने वाला है, कोई बिल्कुल ही समाज का शोषण करने वाला है। तो इस तरह का हमको वेरिएशन दिखाई देता है। इसमें दिखाई देगा कि सेल्फ का डोमिनेंस है, सेल्फ का प्रभाव ज्यादा है, शरीर का नहीं। शरीर की रचना तो वही है, एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए, जेनेटिक्स भी वही है, बट हमारा जो आचरण है जीन से तय नहीं होता। पशुओं में देखे तो उनका आचरण जीन से, शरीर की रचना से उससे तय होता है। हाँ, शरीर में जो कुछ हो रहा है वो तय हो सकता है, जैसे कई बार कई बीमारियां होती हैं, माँ पिता को है तो बच्चे को भी हो रहा है, या शरीर में कोई विशेष एक व्याधि है, कोई अवगुण है, वो बच्चों में भी आ रहा है, ये सारा कुछ हो सकता है। परंतु जो आचरण होगा
उसमें मैं का प्रभाव ज्यादा होगा, इसलिए कहा शिक्षा संस्कार अनुसंगी। जी भैया धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी, तो दिखता है कि जो क्रिया है हर अवस्था में, पदार्थ अवस्था हो, प्राण अवस्था हो, जीव अवस्था हो, ज्ञान अवस्था हो, तो क्रिया अस्तित्व का ही प्रकटन है। हरि काय शून्य बने तो ऊर्जित है, ये जो ऊर्जित होना है ये क्रिया के रूप में दिखाई देता है। इससे पहले भी बात हुई थी, अब इसको अस्तित्व के साथ जोड़कर देख रहे हैं, हमको दिखता है कि शून्य बने रहते हुए हर इकाई, चाहे वो पदार्थ अवस्था की हो, प्राण अवस्था की हो, जीव अवस्था की हो, ज्ञान अवस्था की हो, ऊर्जित तो है, स्वयं में क्रिया है, अन्य इकाई के साथ क्रियाशील है। तो जो क्रिया है ये अस्तित्व का ही प्रकटन है, यानी शून्य में बने रहते हुए ही हर इकाई इस प्रकार क्रियाशील है। वैसे अगर हम स्वयं में व्यवस्था को देखें तो शून्य में बने रहते हुए ही हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित है, एक निश्चित आचरण को प्रस्तुत कर रही है, स्वयं में व्यवस्था है। और अगर स्वभाव को देखें तो जो भागीदारी है, तो शून्य के अस्तित्व में परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है, बड़ी व्यवस्था भागीदार है, इस प्रकार समग्र व्यवस्था भागीदार है। ये तीनों बातों को अगर देखें तो इकाई का क्रिया होना और क्रियाशील होना, स्वयं में व्यवस्था होना और अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदार होना, ये अस्तित्व का ही प्रकटन है। शून्य में बने रहते हुए ये दिखाई दे रहा है। भैया ये जो अभी आपने बोला था स्वभाव, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स और ये धर्म और एक्टिविटी, इसका जो आधार है वो संप्रक्तता है। तो संप्रक्तता में जो एनर्जाइज्ड है वो तो क्रियाशीलता का आधार, और ये जो सेल्फ और पहचानना निर्वाह करना है रिकॉग्नाइजेस, और ये इसका स्वभाव का आधार। पहचानना निर्वाह करना नहीं करें, अच्छा रिकॉग्नाइजेस एंड फुलफिल, थर्ड पॉइंट जो था ना भैया संप्रक्तता का, ठीक है, तो उसी को तो हम भैया स्वभाव बोल रहे हैं, सॉरी जी उसको स्वभाव बोल रहे हैं। और जो व्यवस्था है या उसका आधार सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नियंत्रित होना, हाँ ठीक है भैया। और फिर आपने भी क्रिया बोला, एक तो क्रियाशीलता और एक क्रिया, तो अपने में जो क्रिया है उसका आधार क्या होगा? स्वयं में क्रिया है दूसरी इकाई के साथ क्रियाशील है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये इसका आधार तो एनर्जाइज होना ही है, क्रिया और क्रियाशीलता दोनों का। हाँ ठीक है ठीक है। और एक अभी दीदी ने जब क्वेश्चन किया था भैया, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे मेरा जो ऑब्जर्वेशन आया था वो कि अनुसंगीयता की हम जब बात कर रहे हैं तो शरीर के तल पर तो भैया बीज अनुसंगीयता ही होगी, चाहे वो मानव का शरीर है, लेकिन क्योंकि वो सेल्फ के प्रभाव में है, तो जो भी डिफरेंस दो भाइयों में भी आचरण में डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों के सेल्फ में अलग अलग, दोनों का सेल्फ, दोनों के सेल्फ की एक्टिविटी का लेवल अलग अलग हो सकता है, तो उसकी वजह से उनके आचरण में फर्क आ रहा है। अगर सेल्फ का जुड़ा हुआ नहीं होना हो तो शरीर तो बीज अनुसंगी ही होगा। अभी अगर का मतलब क्या हुआ, मानव है और सेल्फ नहीं है तो क्या माना हुआ? हाँ वो नहीं, पर भैया वो सेल्फ के प्रभाव से हो रहा है, अदरवाइज शरीर का आधार तो अनुसंगीयता ही है। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ, फिर तो मृत शरीर है ना। हाँ हाँ तो अदरवाइज कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मानव कह रहे तो मानव शरीर के साथ के रूप में ही कह रहे हैं। नहीं मेरा ऐसा था कि शरीर के साथ हम ऐसा जोड़ सकते हैं कि अनुसंगीयता में वो बीज अनुसंगी ही है, सेल्फ के प्रभाव से जब हम ह्यूमन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, तो सेल्फ के प्रभाव से आचरण में फर्क आ रहा है। अदरवाइज अगर सेल्फ मानव के शरीर से अगर सेल्फ जुड़ा हुआ नहीं है, ये केवल शरीर ही हो, केवल बायो ऑर्डर का ही पार्ट हो, ये पहली बात तो बनेगा नहीं, तो वो ठीक है कि शरीर जो है बीजानुसंगी है बट मानव संस्कार अनुसंगी है, शिक्षा संस्कार अनुसंगी है। नहीं ये स्पष्ट हो रहा है भैया, लेकिन थोड़ा उसको अगर बारीकी से देखें तो वो शरीर में सेल्फ के प्रभाव से ही आचरण में परिवर्तन आ रहा है, तो होगा तो संस्कार शिक्षा संस्कार अनुसंगी ही होगा, ये तो समझ में आ रहा है भैया।
क्योंकि आज हम जब ये कंटेंट पढ़ रहे हैं तो हमारा आचरण अलग हो रहा है, जब कंटेंट एक्सप्लोर नहीं कर रहे तो आचरण अलग होता है, और जब हमारे में ये आचरण स्थापित होगा तो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी में अपने आप आएगा इस तरह से, क्योंकि वो अनुसरण अनुकरण से वही सीखते हैं और उसको अपने जीवन में ठीक भी पाते हैं। ठीक बात है भैया, ठीक बात है। हाँ, तो शरीर को अगर सिर्फ शरीर को देखें तो उसका जो आचरण है वो बीज के आधार पर ही हो रहा है, और मानव के रूप में देखें तो फिर शिक्षा संस्कार के रूप में। वैसे पशु में भी देखें जो शरीर की बनावट है वो तो बीज रूप में ही है, उसके अनुसंगीता है, बट जो आचरण है वो वंश के आधार पर है। ठीक बात हाँ, ये और क्लियर हुआ भैया आपने एनिमल के उदाहरण से। ठीक है, थैंक यू। बढ़िया, तो ये तीनों बातें स्पष्ट हुई, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो मानव में देखें तो शिक्षा संस्कार अनुसंगीयता दिखाई देती है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर शिक्षा संस्कार सही है तो मानव में संज्ञानीयता सुनिश्चित होती है। संज्ञानीयता के साथ धीरता वीरता उदारता स्वभाव के रूप में दिखाई देता है, और एक मानवीय परंपरा में जीना बनता है। जी, हमारे में ज्ञान होता है, समाधान होता है। तो अनुभव का मतलब कि सहस्तित्व दिख जाए। सहस्तित्व दिखने का मतलब मुझे दिख जाए कि पूरी प्रकृति इस प्रकार शून्य बने रहते हुए उर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है, आधार में शून्य है। तो स्वयं में क्रमिक रूप से हम ध्यान देते हुए भागीदारी को देख पाते हैं, स्वयं में व्यवस्था को देख पाते हैं, इसको देखते हुए इसके आधार को भी देख पाते हैं। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं ब्लॉक B2 में एक्टिव हैं, उसमें अभी हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि जो प्रस्ताव मिल रहा है इसको हम आस्वादन कर रहे हैं, उसका हम तुलन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। प्रस्ताव को सुनने का चयन तो किया ही है, अब ये ढेर सारा विश्लेषण कर रहे हैं हम, और आवश्यक भाग है ये, है ना, जो बहुत सारे प्रश्न जाते हैं विश्लेषण को लेकर, ये जो शब्द हैं इनका परस्पर अर्थ क्या है, इनमें भिन्नता क्या है, फिर उसको हम जीने से जोड़कर भी देखते हैं, उनका तुलन करते हैं कि इससे मेरे सुख की क्या संभावना है, क्या संभावना नहीं है। उसके आधार पर जीने को हम चित्रित भी करते हैं कि इस प्रकार जीना कैसा होगा, और फिर इस पॉइंट पर जाकर हम उन भाव को देख पाते हैं। अच्छा, यही भाव है जो मेरे सहज से स्वीकार है। तो अभी हमको पता तो लगता है कि सहज स्वीकृति है संबंध के भाव की, बट संबंध एक शब्द है, उसके अर्थ में जितना जाते हैं उतना अर्थ स्पष्ट होता है, उसके अर्थ को हम चित्रित कर पाते हैं, एक एक भाव के अर्थ को चित्रित कर पाते हैं, और फिर किसी पॉइंट पर जाकर हमको दिखता है कि हाँ ऐसा ही है, वो चिंतन हुआ। जब हमें भागीदारी दिखती है, वो भाव दिखता है, उसके साथ ये शिकाई को लेकर भाव दिख रहा है, इकाई की स्वयं की व्यवस्था भी स्पष्ट होती है, तो उतना हमारे में बोध हुआ, और धीरे धीरे हम ऊपर की ओर गति कर रहे हैं। ऐसा करते हुए किसी पॉइंट पे हमारी स्थिति बनती है कि हम पूरे अस्तित्व को जैसा वैसा देख पाते हैं अनुभव की क्रिया में, तो ये अस्तित्व का अनुभव हुआ। जी, नेक्स्ट भैया। वैसी व्यवस्था के बोध हुआ हमको, प्रकृति की हर अवस्था का, स्वयं में व्यवस्था का बोध हुआ, तो वो भी हम देखें, तो धीरे धीरे हम उसको क्रमिक रूप से देखते हुए जा रहे हैं। जिस पॉइंट पे हमको जाकर अनुभव हुआ उसके बाद व्यवस्था के बोध की पूर्णता हुई, तो चारों अवस्था की स्वयं में जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हुआ। नमस्कार भैया। जी नमस्ते भैया, मुझे ये जो पिछला स्लाइड था वो लगा पाएंगे क्या? हाँ भैया, एक बार पिछला स्लाइड लगा दीजिएगा, इसके पहले वाला। जी हाँ भैया, यहाँ पे जो ये रेड एरो है ना, ये क्या दिखा रहा है? मतलब मेरा जो समझ है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि एक ही घर में दो बच्चे हैं पर उनके डिफरेंट डिफरेंट आचरण हैं, तो इसका मतलब है कि आचरण तो समझ के अनुसार ही हर एक व्यक्ति कर रहा है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में वो आ ही जाएगा, पर अभी तो ऐसा दिखता नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में कुछ भी, जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी कुछ सीखा तो वो भी हम में, लाइक हमारे पेरेंट्स में भी जो भी कुछ क्वालिटीज थी वो हम में आ गई हो,
ऐसा तो कुछ मुझे दिखता नहीं है, तो ये जो एरो है ये मुझे थोड़ा सा अस्पष्ट है। वही तो पेरेंट्स के गुण आप में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो तो शिक्षा संस्कार पूर्वक ही आएगा। तो पेरेंट्स तो वही है, दो बच्चे हैं, परंतु उन दोनों में जो सेल्फ है उसका अपना अलग अलग संस्कार हो सकता है। कोई धीर रहा हो, कोई वीर रहा हो, है ना, उदार रहा हो, दूसरा कृपण रहा हो, भयभीत होकर जीता रहा हो, तो ऐसा दिखाई दे सकता है। आप देखें एक ही घर में दो बच्चे हैं, किसी को संवेदना के प्रति बहुत ज्यादा ललायत है, बहुत ज्यादा ध्यान खींच रहा है उसका, किसी को उसे लेना देना ही नहीं। तो ये जो मैं है, मैं का जो संस्कार है उससे तय हो रहा है। शरीर की बनावट तो माँ पिता से तय है, बट जो बच्चे का जीना है, उसका जो व्यवहार है, कार्य है, ये उसका पहले से संचित जो संस्कार है, घर में जो शिक्षा मिल रही है, जो आसपास वातावरण मिल रहा है, फॉर्मल एजुकेशन मिल रहा है, इन सबको मिला जुला कर, तब वो बचपन से ही दो बच्चों के बीच में अंतर दिखाई देगा। कोई बच्चा बिल्कुल शांत रहता है, कोई बच्चा उग्र होता है ना। दो ही बच्चे अगर देखें, जुड़वा भी पैदा हो जाए, उसमें आपको दिखाई देगा कि एक है दूसरा खिलौना छीन के ले लेता है, दूसरा रो के चुप हो जाता है, कोई इसका कभी खिलौना नहीं छीनता। अब आप कहें तो भाई एक ही साथ उत्पन्न हुए, जुड़वा बच्चे हैं, शरीर की बनावट भी एक जैसी है, माँ पिता वही है, फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक छीनता है और दूसरा है ना रो के चुप हो जाता है, बस वो इसे नहीं छीनता। तो जो सेल्फ है वो डोमिनेंट है यहाँ पे। तो जुड़वा बच्चे तो उत्पन्न हुए, बट दोनों में सेल्फ अलग अलग है, और जो सेल्फ है उसका पहले से कुछ संचित संस्कार है, उससे तय हो रहा है आचरण उसका। अब फॉर्मल एजुकेशन में भी जा रहे हैं, एक ही स्कूल में दोनों जा रहे हैं, बट दोनों अलग अलग मित्र चुन रहे हैं। एक हो सकता है बहुत सोशलाइज करता है, उसके 100 मित्र बन गए प्राइमरी एजुकेशन में, कोई है जो अकेला रहता है, कोने में रहता है, नए मित्र बनते हैं उसके। अब जो मित्र बन रहे हैं उनका प्रभाव आ रहा है इस बच्चे पे, जो मित्र नहीं बना रहा उसका प्रभाव आ रहा है इस बच्चे पे, अब उसके साथ उनका नया संस्कार निर्मित हो रहा है। वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के प्रभाव में चल रहा है, ये स्कूल फ्रेंड्स नहीं बना रहा है, उसका अपना एक प्रभाव चल रहा है। और धीरे धीरे जब एजुकेशन ले भी लेते हैं तो दोनों का करियर का च्वाइस बदल जाता है, दोनों का प्रोफेशन का च्वाइस बदल जाता है, शादी ब्याह को लेकर च्वाइस बदल जाता है। तो ये वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, स्कूल में जो फॉर्मल एजुकेशन मिल रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है, इस प्रकार से उनके आचरण में भिन्नता दिखाई दे रही है। नहीं भैया ये तो मुझे क्लियर है कि आचरण भिन्नता कैसे आ रही है, पर ये जो नेक्स्ट जनरेशन वाला ये कॉलम है ना, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा कि ये जो एरो है वो संस्कार अगर ठीक हो जाए, जैसे जैसा ही वातावरण हो, माँ पिता का जैसा भी संस्कार हो, बच्चे का पुराना संस्कार जैसा भी हो, बट यदि हम वैल्यू एजुकेशन को लेकर बचपन से काम करें, बच्चों को बचपन से सेल्फ एक्सप्लोर करने दें, हर बात प्रस्ताव के रूप में जांचने दें, जी कर देखने का अवसर दें, तो इस विधि से बच्चे के अंदर ज्ञान हो सकता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जा सकता है। अगर ये पूरा ना करें तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अमानवीयता ही जाएगा, जैसा भी जा रहा है आमतौर पर, नहीं तो ज्ञान सुनिश्चित होगा, समाधान सुनिश्चित होगा, उससे निरंतर सुखपूर्वक जीना सुनिश्चित होगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया जी, थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी जी, भैया कहीं और कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो सहस्तित्व का अनुभव हुआ, उससे व्यवस्था के बोध की पूर्णता हुई जी, कुछ करिए टू चेंज भाव टुवर्ड्स अ पर्सन टू 35 इयर्स। हाँ वो भी आप देखें तो हो सकता है जो भाव में परिवर्तन सस्टेनेबल नहीं है, तो किसी व्यक्ति के प्रति हमारे भाव में जो परिवर्तन हुआ वो तो सस्टेनेबल है, कोई निश्चित नहीं है, मतलब वो कंटिन्यू करेगा निश्चित नहीं है। तो हो सकता है किसी के प्रति हमारे अंदर कोई विरोध का भाव था, है ना, किसी पुरानी घटना को लेकर, अब पता चला कि अरे ये तो कल्प्रिट है ही नहीं, इसको तो फंसा दिया गया था, तुरंत भाव बदल गया हमारा। बट इससे ऐसा निश्चित नहीं है कि हमारे में उस व्यक्ति के प्रति विश्वास का भाव निश्चित हो गया, सम्मान का भाव निश्चित हो गया। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। अभी जो एक पहले सवाल पूछा गया इसके पहले वाली स्लाइड्स पे जो हम बात कर रहे थे जी, वो स्लाइड्स थोड़ा आप लाते हैं तो मैं जस्ट एक मिनट में मेरी बात रखूंगा। जी जी बताना। हाँ इसमें जो भी हम लोग, आपने जो अभी जैसा बताया कि शिक्षा संस्कार से ही हमारा आचरण हो रहा है और ये सेल्फ की वजह से ही हो रहा है,
मेरा मेरा इसमें मानना है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन में ये जाता है, मैं सुखपूर्वक जीने की आशा रखता हूँ और उसके वजह से जो भी मैं करता हूँ वो सारा नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाता है, तो इस बारे में मेरा मानना ऐसा है कि ये जो सेल्फ की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सेल्फ मैंने इसको कई बार विषय में अलग अलग जगह भी रखा है कि ये खुद की एक मेमोरी बना के चलता है, वो निरंतर है, सेल्फ निरंतर है और उसकी जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी साथ में उसकी पूरी मेमोरी जो है वो हमेशा साथ लेके चलती है। तभी हम लोग, यानी मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जब नया जन्म लेते हैं तो जो शिक्षा संस्कार या जो भी है वो उस मेमोरी के साथ में जो सेल्फ के अंदर इनेट अंदर ही है, समाहित है वो, और उसी के वजह से ये जो समझ है ये हर पीढ़ी दर पीढ़ी या हमारा सेल्फ का जैसा जैसा आगे आगे इवोल्यूशन हो रहा है उसमें और वो बढ़ता जाता है या इवॉल्व होता जाता है। जी, तो जो मेमोरी है वो किस प्रकार है, तो आप पाएंगे कि जो रूप या गुण की मेमोरी है वो कम समय तक रहता है, बराबर, या फिर किसी है ना नाम और इस तरह की चीजों की, बट जो संस्कार हमारे अंदर बन जाते हैं, कोई भाव हमारे अंदर स्थापित हो जाता है भले अनर्गल हो, सही ना हो, वो ज्यादा लंबे समय तक रहता है। जैसे अभी हम देखें तो हमारे अंदर जो संस्कार बन गए गहरे गहरे वो लंबे समय तक बने रहते हैं, बट लोगों का नाम भूल सकते हैं, चेहरा भूल सकते हैं, जो पढ़ाई लिखाई किया हमने स्कूल में वो भूल जाते हैं, बराबर, जो फॉर्मूले याद किए, इक्वेशन याद किए, है ना, बचपन में आपको याद होगा लंबे लंबे निबंध याद करके बोलते थे, अब कोई कह दे कि याद करके सुनाओ तो, या सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे, तो सब तो हम भूलने लगते हैं, परंतु जो संस्कार बन जाते हैं, स्नेह या द्वेष, विश्वास या अविश्वास, सम्मान या अपमान, इस तरह के जो संस्कार बन जाते हैं हमारे अंदर, ये लंबा चलता है। जी, तो अभी हमारे लिए सबके लिए यही काम है कि हमारे सेल्फ में हम लोग जो हमारे सेल्फ को इवॉल्व करने के लिए या हमारी समझ बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जो संस्कार है उसके लिए हम लोग ज्यादा काम करें, और उसके लिए स्वयं को देखे या उसके लिए हम लोग हमारा आचरण सुधारे या उसके लिए हम लोग हमारा कुछ रीडिंग करना है या जो भी रिलेशनशिप में हमको कुछ भाव व्यक्त करना है, इस पे हम लोग जितना ज्यादा काम करेंगे तो ये शिक्षा संस्कार हमारे सेल्फ में और अच्छे बनते जाएंगे। जी बिल्कुल, और इसी का असर फिर हमको अगले पीढ़ी में या नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हमारे जीवन में हमको ये सबसे बड़ा काम करने लायक है कि हम लोग हमारे पूरे इस जीवन में जितना ज्यादा समझ बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, हमारे भाव अच्छे करने के लिए, या जो नेचुरल हमारी एग्जिस्टेंस है या जो नेचर में हमको जो दिखता है कि हम लोग सब लोग हमारे एकमेक के स्वअस्तित्व के लिए हम लोग एकमेक की भागीदारी बना के जीते हैं, इसके लिए जितना हम ज्यादा काम करेंगे वो सेल्फ में उतनी अच्छी मेमोरी या उसके अच्छे शिक्षा संस्कार और गहरे और बनते जाएंगे और वही प्रभाव हमें फिर आगे के जीवन में हमें मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे मिलेगा और बच्चों को ही मिलेगा। जी धन्यवाद, बढ़िया बढ़िया भैया। भैया नेक्स्ट जनरेशन मतलब जब सेल्फ विल रीस्टार्ट द जर्नी अगेन, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट जनरेशन मतलब आपसे जो ऑफस्प्रिंग तैयार होंगे, जो बच्चे तैयार होंगे, आपका अगला शरीर आपका स्टार्ट करेंगे उसका मुख्य मुद्दा नहीं है, आपके जो शिशु उत्पन्न होंगे है ना उनमें जो संस्कार जाएगा उसकी बात हो रही है। जब नेक्स्ट जनरेशन का है, हम माँ पिता बनते हैं, हमारे से बच्चे तैयार होते हैं, उन बच्चों में भी संस्कार जाता है, वो हमारे संस्कार से तय होता है और शिक्षा से तय होता है। तो वही तो भैया मुझे फुकावट हो रही है कि सारे तो नहीं आते हैं ना, जैसे जो मेरे पेरेंट्स थे गुम थे वो तो मुझ में नहीं आए हैं, मुझे तो कुछ अलग आया है, तो मे भी आप जो बता रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस है एनवायरमेंट से, एजुकेशन से, उसमें थोड़े से डाइल्यूट हो गए या डाइवर्ट हो गए। हाँ, तो अभी आप में जो गुण है वो एक भाग आपका अपना पहले का संस्कार है, हाँ। एक भाग जो माता पिता से मिला, एक भाग जो आसपास के वातावरण से मिला, एक हाँ। भाग जो फॉर्मल एजुकेशन से मिला, और उसे कौन ज्यादा प्रभावी हुआ ये आपका निर्णय है। अच्छा। तो यदि शिक्षा संस्कार ठीक है तो उसका प्रभाव अधिक होगा, अगर शिक्षा संस्कार ठीक नहीं है तो उसका वातावरण का प्रभाव अधिक होगा।
तो माँ पिता तो बहुत शांत है, बच्चा उग्र हो जाए, माँ पिता है ना किसी एक प्रकार का संस्कार रखते हैं स्पिरिचुअल और इस तरह की चीजों का, बच्चा बिल्कुल अन्यथा हो जाए। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड करने वाली चीज है ये सेल्फ में शिक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार ये डोमिनेंस से ही आएगी। शिक्षा संस्कार जितना प्रभावी होगा हाँ। उतना हमारा आचरण ठीक होगा। शिक्षा संस्कार प्रभावी नहीं होगा तो आचरण ठीक नहीं होगा। और शिक्षा मतलब समझना, शिक्षा संस्कार मतलब कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन जैसा भी दिया जा रहा है वो नहीं कहा जा रहा है, उससे तो आचरण की निश्चितता नहीं आएगी। हाँ नमस्ते सभी को। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम पूर्वजों के जो अपने बच्चों में संस्कार आ रहे हैं, इसको इसको हेरिडिटी भी बोल सकते क्या? अनुवांशिकता शरीर में है जी, हेरिडिटी शरीर में है जी। तो जैसे अगर कुछ बीमारियां भी जनरेशन से आती है उसको भी इसी संदर्भ में लिया जा सकता क्या? नहीं, बीमारियां तो शरीर में है, तो शरीर में है तो जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, जेनेटिक डिसऑर्डर यस यस। जैसे डायबिटीज में कई बार पाया जाता है कि जेनेटिक हो जाता है। हाँ, जेनेटिक है तो बच्चे को भी हो जाता है। जी जी जी, तो ऐसे कई रोग हैं जो जेनेटिक हो जाते हैं है ना, कई बार जी चक्कर आना या ब्रेन में कोई डिफॉर्मिटी होना, इस तरह की चीजें भी होती हैं। होती तो जिस तरह की बीमारियां हो सकती है वो शरीरगत है वो, बट जो आचरण है वो शरीरगत नहीं। आचरण तो आपका मैं और शरीर के सांस्कृतिक के रूप में है जी, उसमें मैं का प्रभाव अधिक है, मानव में बात करें जी। दूसरा एक और सवाल था कि घर में अगर दो बच्चे है तो उसमें एक में क्रुएलिटी बढ़ जाती, दूसरा जो है वो कोमल स्वभाव का रह जाता है। आवाज आ रही भैया जी? हाँ क्लियर आ रही है। हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि घर में दो बच्चे है और उसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बहुत बार तो घर के संस्कार भी उसके प्रभावित करते हैं कि बड़ा है तो उसको बहुत बार डांटा जाता है ज्यादा, और छोटा है तो उसको थोड़ा सा कम बोला जाता है क्योंकि वो छोटा है, तो छोटा रहने को उसको फायदा मिलता है, तो बड़े वाले में भी नाराजगी होती है। तो ये घर के संस्कार अगर बदले तो ये भी ठीक हो सकता है, क्योंकि आगे चल के वही विरोध बढ़ता है तो फिर वो प्रॉपर्टी के बारे में कोर्ट मैटर करते हैं, आपस में झगड़े करते हैं, तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं अगर इसकी समानता लाए तो ये चीजें कम हो सकती है जी, है ना भैया जी? ठीक है जी जी। तो ये कैसे दो भाइयों के स्नेह स्थापित हो, ये तो माँ पिता की जिम्मेदारी। जी जी जी, माँ पिता में समझ होगी तो स्नेह स्थापित कर पाएंगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे जी। ये जैसे कई बार हम उदाहरण के रूप में रखते हैं कि जब एक ही बच्चा था तो सारे गिफ्ट उसको मिलते थे, अब छोटा भाई या बहन आ गया अब गिफ्ट उसको मिलने लगे जी। अब बड़े भाई या बहन को कम मिल रहा है तो उनमें द्वेष उत्पन्न हो सकता है। हो तो ना ऐसा किया जाए कि जब भी कोई गिफ्ट आता है दोनों को लाया जाए, दिया जाए और फिर क्या तुम शेयर करो छोटे भाई बहन के साथ जी, ये हो सकता है जी। माँ पिता में समझ होगी तो इन बातों को देख पाते हैं, है ना, छोटे भाई बहन को गिफ्ट मिला और बड़े भाई के या बहन के चेहरे को हमने नहीं देखा ध्यान से तो उनके भाव का पता नहीं चलता, बट यदि ध्यान से देख लें तो उनका भाव कैसा बना पता चलता है, फिर उसके अनुसार हम अगला निर्णय लेते हैं जी। जी जी, थैंक यू भैया जी। ये कई बार आप पाएंगे कि बड़े भाई छोटे भाई के बीच में या मतलब भाई बहन के बीच में हो सकता है, कई बार शरीर के रंग के रूप में भी हो सकता है कि एक ज्यादा सुंदर दिख रहा है कम सुंदर दिख रहा है तो उसको फेवर कर रहे हैं जो सुंदर दिख रहा है, और जो थोड़ा कम सुंदर दिख रहा है कुरूप है उसको नहीं फेवर कर रहे हैं, अभी द्वेष का रूप ले लेता है जी भैया। यहाँ तक आ जाता है कि द्वेष इतना बढ़ गया कि अपराध तक चला गया है ना, इतना द्वेष बढ़ गया, तो जिम्मेदार तो इसलिए माँ बाप ही हुए, माँ बाप ही है जी जी। तो ये शिक्षा संस्कार से है। हाँ, तो घर में जो संस्कार मिल रहा है माँ पिता से जी वो भी इम्पोर्टेंट है। घर में जो बच्चों को सेल्फ एक्सप्लोर करने के लिए अवसर दिया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो फॉर्मल एजुकेशन मिल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है जी जी भैया जी।
धन्यवाद जी। कुछ प्रश्न है चैट बॉक्स में, उसको एक बार देख लेते हैं। इफ अदर पर्सन हैज सर्टेन प्री कंडीशनिंग एंड डजंट वांट टू चेंज, द भाव रिमेंस द सेम, सो आवर रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रिमेंस सेम। इफ द अदर पर्सन हु शुड वर्क ऑन सेल्फ सो दैट पर्सन चेंज नाउ, माय भाव चेंज टू। ये बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज गिवन टू एल्डर्स बट यंगर वन विल बी ऑलवेज नॉट रिस्पेक्टेड और एडजस्ट। हाँ, इस तरह की गलतियां हम करते हैं। तो जो पहली बात आपने कही है कि रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग, तो मेरे में यदि अनुभव की क्रिया जागृत हो गई है, बोध की क्रिया जागृत हो गई है, स्वभाव को मैं देख पा रहा हूँ, चिंतन कर पा रहा हूँ, तो मेरा आचरण निश्चित रहेगा। अगला व्यक्ति समझ पाए बढ़िया है, नहीं समझ पाए तो हमको समझने के लिए प्रयास करते हैं, समझाने के लिए प्रयास करते हैं। और आमतौर पर चूक होती है कि सम्मान हम कई बार ठीक से समझते नहीं कि सम्मान राइट इवैल्यूएशन है। तो हम कहते हैं किसी का सम्मान करो, किसी के ये कहते हैं भाई उसको प्यार करो, स्नेह करो। बट हमको देखे तो हर व्यक्ति के प्रति हमको सम्मान का भाव स्वीकार होता है, हर व्यक्ति के प्रति स्नेह का भाव स्वीकार होता है। नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया। थोड़ा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, समय से लेकर के लगभग हम सभी लोगों की या मेरी पर्सनल भी यही समस्या रहती है कि समय अभाव रहता है। मैंने सेल्फ में एक ऑब्जर्व करके देखा तो ये सब पाता हूँ कि जब सेल्फ के साथ मिलकर के कार्य, सेल्फ के साथ होता हूँ, सेल्फनेस होता हूँ, तो समय का पता नहीं पड़ता। लेकिन जब लगता है कि शरीर के भान में जब या शरीर के रूप में होता तो फिर लगता है कि समय सफल हुआ या बर्बाद हुआ। तो इस पे थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ये केवल मनुष्य के साथ ही है या पशु जो अवस्था है या जो प्रकृति अवस्था है, इनको समय का भी इशू होता नहीं है। तो समय में जैसे सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त होना, तो इसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है, ये तो सही है, प्रकृति पे भी और पशु पे भी देखने को। लेकिन जो क्षण क्षण प्रति क्षण वाली जो अवस्था है वो मानव के ही साथ है क्या? क्योंकि जब हम सेल्फ में होते हैं तो समय की बर्बादी या सफलता कुछ ऐसा विशेष नहीं रोल समझ में आता, लेकिन जैसे ही सब शरीर के साथ लगता है तो फिर लगता है कि समय खराब चला गया या फिर समय सफल हो गया। इस पे थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। क्या है ये, अगर हम तय कर पाते हैं तब तो सही से मूल्यांकन कर पाएंगे। अब चूंकि पशु पक्षियों में संज्ञानशीलता है नहीं, जानने की संभावना है नहीं, तो उनकी आशा तो बस जीने की है कि जीते रहे, तो उनके लिए तो बस खाए पिए सोए, इतने भर से काम चल जाता है। हमारा जो काम है सिर्फ खाने पीने सोने से नहीं चलता, हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो उस ज्ञान के अर्थ में दिखते हैं कि समय का कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया, उसका मूल्यांकन करते हैं। पशु पक्षी मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, उनका सेल्फ उतना डेवलप नहीं है। बात पहुंची भैया? हाँ जी भैया। भैया यही हम पूछ रहे थे कि जैसे हम सेल्फ में स्वयं होते हैं तो फिर हमको समय का उतना भान नहीं रहता है, ऐसा क्यों है? हम सेल्फनेस रहते हैं, मतलब जो सेल्फ के साथ है तो समय का भान नहीं होता है, कालगणना या समय प्रभाव नहीं होता है, ऐसा। जी जी हाँ, ये हो सकता है कि जब हम शरीर के साथ आदान प्रदान को कम कर दें और सेल्फ में देखते रहें, तो अगर हम प्योर ऑब्जर्वर की तरह देखें तो एक तरह की स्थिति बनती है, बट यदि कहीं विचारों में बहने लगे तो दूसरी तरह की स्थिति बनती है। बट इन दोनों स्थिति में सकता है समय का ध्यान न रहे, क्वाइट पॉसिबल है। बट ये जो विचारों में बहने लगे और समय का ध्यान नहीं रहा, इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। एक प्योर ऑब्जर्वर की तरह हम अपने आप स्थापित हो पाए, शुद्ध दृष्टा के रूप में साक्षी भाव में स्थापित हो पाए, तो उसका फिर है ना उपलब्धि है, वहां तो चीजें दिख पाएंगी। ये तो हम अभ्यास करें ही इस शरीर से आदान प्रदान को कम करते हुए स्वयं में स्थापित होते हुए हम देखें, व्यवस्था को देखें, संबंध को देखें, अस्तित्व को देखें, तो उपयोगी रहेगा। इस अर्थ में समय लगाएं बहुत उपयोगी रहेगा। बढ़िया भैया, समय हो चला है, एक और हैंड रेज था, अभी नहीं है, ठीक है। तो भैया आज के सत्र को आप कंक्लूड कर दीजिए, कोई अनाउंसमेंट हो तो कर दीजिए। जी भैया, तो सभी का इस हिंदी सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। हम चैट बॉक्स में कुछ लिंक देख पा रहे हैं, 3 जुलाई से 7 जुलाई तक इंग्लिश का FDP ऑनलाइन इंट्रोडक्टर FDP उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल है। उसी तरह से 10 से 14 जुलाई तक हिंदी
में यही वर्कशॉप होगा, तो उसकी भी लिंक चैट बॉक्स में अवेलेबल है, तो इस लिंक को हम हमारे दूसरे साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं कि जो इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं। उसी तरह से हम में से भी कोई अगर इसको अटेंड करना चाहता है लेकिन उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो वो अपना नाम और ईमेल आईडी अगर भेज देंगे तो उनको ऑडिट मेंबर के रूप में लिंक भी मिल जाएगी, तो हम जब फ्री है तो उस सत्र को अटेंड कर सकते हैं। और आज रविवार है तो मतलब सारे रीजन्स में रीजनल मीटिंग्स होगी, तो उसमें से एक मीटिंग का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, हम हमारा जो रीजन है वहाँ के कोऑर्डिनेटर से बात करके वहाँ की भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद भैया, आज फिर हम रोक सकते हैं। जी भैया रोक लेते हैं। असाइनमेंट ग्रुप में जो अभी हम लोगों ने बात किया था कि संपृक्तता को देखें हर अवस्था में, और जो असाइनमेंट लिया था उसके बाद आखिरी स्लाइड पे उसको आज करना है, अपने स्वभाव धर्म परम धर्म को देखना है, अपनी संपृक्तता को देखना है। तो वैसे तो असाइनमेंट ये ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा हो जाएगा, परंतु कम से कम हमारे ध्यान में आ जाए कि यदि करने को काम है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।